हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग, मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं भाई, जितने भी बीसीए सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, तो जैसे मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, तो बेटा ये सीरीज आप लोगों के लिए आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी हजारों स्टूडेंट की हेल्प करी है, बच्चों के बहुत बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, इसी प्रकार से हम सेकंड सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं। तो बेटा उसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ में एक बात मैं आपको और बता, तो आपको बिना वीडियो को स्किप करे हुए सारी वीडियोस देखनी है। तो मैं अवश्य आपको बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन इस पूरी सीरीज में बाहर का नहीं जाएगा, मतलब इससे ही सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ये हम जल्दी में शुरू कर रहे हैं, पेपर आते आते आप इनका रिवीजन वगैरह करना और बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। ट्रस्ट करके देखो, अगर आपका ट्रस्ट टूटा तो भैया चैनल को कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, जैसे ही मन हो वैसे कर देना। बाकी थोड़ा ट्रस्ट करना, थोड़ा बिलीव रखना। तो आइए, पक्का मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये पार्ट नंबर फर्स्ट है और सारी वीडियोस वगैरह आपको पूरी देखनी है, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में वगैरह मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा। तो पूरे बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो वगैरह को आपको, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। बस ये है, आप लोगों से उम्मीद रखूंगी ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना जब भी मैं इस सीरीज को पूरी को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। बाकी पार्ट फर्स्ट है, आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे और चलिए बिना तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये है आज का पहला क्वेश्चन, बहुत इजी और बहुत नॉर्मल सा और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जो कि आप जानते हो सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, जो आपका पहला टॉपिक है। और ये बेसिकली इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं और इसे यूनियन बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी लेंगे और अच्छे लेवल के, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दो नंबर में या तीन नंबर में पूछा जा सकता है। ये बोला गया है लेट ए इज इक्वल्स टू एक सेट दिया हुआ है, बी इज इक्वल्स टू एक सेट दिया गया है। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। अब ये इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होते हैं, अगर किसी बच्चे को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से देख लेना कि इंटरसेक्शन और यूनियन हम किस तरीके से निकालते हैं। बाकी इसमें देखो, मैं इतना आपको बेसिक से बता रहा हूं, इंटरसेक्शन जो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा वो इंटरसेक्शन कहलाएगा, और जो इन दोनों को हम एक साथ लिखकर, मतलब एक साथ इनके एलिमेंट लिखेंगे नॉन रिपीटेड एलिमेंट, वो होगा आपका यूनियन। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे हम इंटरसेक्शन और यूनियन निकालते हैं, इसे हम वेन डायग्राम पर भी निकाल सकते है। बाकी अगर इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हो, देखो सॉल्यूशन इसका बड़ा आसान है। तो जो हमें गिवन है, मतलब पेपर में आपको करके जैसा आना है बहुत अच्छे तरीके से, कुछ भी छोड़ना नहीं है कि बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन तो डायरेक्ट कर दिया। और ये आप वेट करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं, है ना। तो देखो ए है आपको दिया गया है 1, 3, 5, 7 एंड 9, एंड बी आपको दिया गया है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो अगर मैं बात करूंगा ए इंटरसेक्शन बी की, तो बेटा मैंने क्या बताया, जो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, जो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट है। अगर मैं कॉमन एलिमेंट की बात करूंगा तो देखो यहां पर 1 है पर यहां पर 1 नहीं है, यहां 3 है, यहां पर भी मेरा 3 आ गया, यहां 5 है, यहां पर भी 5 आ रहा है, यहां 7 है, यहां भी 7 आ रहा है, यहां 9 है बट यहां पर 9 नहीं है। तो इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है प्यारे बच्चों, वो ये निकल गए। तो ये निकल गया प्यारे बच्चों, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। देखो भैया घंटी वाले बुढ़िया के बाल बेक ना है, आ रही है ना आवाज, चलो कोई नहीं। अब आगे देखो, तो ए यूनियन बी, हेयर ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। यूनियन में जब बात करेंगे तो टोटल नंबर लेंगे एज नॉन रिपीटेड, कोई भी नंबर रिपीट आपको नहीं करना है, क्योंकि यूनियन मतलब यूनिटी, उसमें सभी नंबर आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो देखो यहां 2 है और यहां पर 2 नहीं है, ले इसे भी। 3 है, दो टाइम है पर एक बार लेना। 5 है, 7 है और ये फिर 11 है और ये 13 है। तो प्यारे बच्चों यूनियन आप ऐसे निकाल दोगे। एक बात आपको और ध्यान रखना है, एक बात की कि यहां पर देखो काफी बार बच्चे कोमा नहीं लगाते, तो कोमा भी जरूर लगा देना, क्योंकि कुछ कुछ टीचर्स इन पे भी नंबर काट देते हैं। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, तो इंटरसेक्शन यूनियन आप पे आना चाहिए। अभी हम बेसिक क्वेश्चन पहले जरूर ले रहे हैं जिससे हमारी ऑडियंस थोड़ा सा आत हो जाए। अभी भाई स्टार्टिंग में मल्टीपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ले लिए तो भग जाओगे तुम तो देखते ही, कि चार चार तीन तीन बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा, लिमिट विमिट सब लेंगे, टेंशन ना लो, बस इस तरीके से वीडियो को देखते रहो। आगे नहीं समझ में तो फटाफट से देख लो, है ना। कोई भी चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं आप, व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है, उस पर आप पूछ सकते हो कोई भी, और वहां जुड़ो ज्यादा से ज्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह, बीसीए वगैरह, बीएससी वगैरह, कुछ भी किसी की भी चाहिए तो आप वहां जरूर जुड़ो। फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप वगैरह से भी जुड़ो मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से, और इंस्टा आईडी मैथमेटिक्स वर्ल्ड 2324 के नाम से वहां भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, ये है आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें बोला गया इफ यू इज इक्वल्स टू इतना, ये सेट दिया गया है, एंड ए इज इक्वल्स टू इतना, तो ए डैश फाइंड करना, ए डैश का होल डैश हमें फाइंड करना है।
अब यू क्या होता है बेटा? यू होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में देखिए सारी चीज आ जाती है, यूनिवर्स में सारी चीज, यूनिवर्स है ना, उसमें सारी चीज आते हैं, सारे एलिमेंट सारे नंबर्स आ जाते हैं। और यूनिवर्स सेट भी अगर मैं बात करूं तो यहां आपको दे रखा है 1 to 8x दिया हुआ है, मतलब 1 से 8 तक के सारे नंबर दिए गए हैं, और ए जो दिया गया है 2, 4, 6, 8, ये आपको जो स्टार्टिंग के 4 आपके इवन नंबर होते हैं उनका एक सेट दिया गया है। तो यहां पर इसने बोला है ए डैश। अब बेटे प्यारे बच्चों ए डैश का आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो हम ए डैश निकालते हैं वो होता है बेटा यू माइनस ए। क्या होता है? यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल माइनस ए सेट, जो भी मतलब आपको सेट दिया गया है। आ रही है बात समझ में? तो यूनिवर्सल सेट आपको क्या दिया हुआ है, लिख लो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, और माइनस का ए जो आपको दिया गया है 2, 4, 6, 8। बेटा देखो एक या दो क्वेश्चन आपके ऐसे जरूर मिलेंगे, या तो आपको यूनियन इंटरसेक्शन के मिल जाएं या आपको माइनस। अब देखो माइनस करना आना चाहिए, इसमें बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं, आपको यहां गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आ रही है बात समझ में? देखो माइनस कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। 1 देखो यहां पर नहीं है, आ जाएगा। 2 यहां पर है, यहां पर, मतलब जो भी कॉमन है वो तो आपको लेनी नहीं है। 2 यहां पर है, यहां पर नहीं लेना। 3 देखो यहां दिया गया है, यहां पर नहीं दिया गया, ले दो यहां 3। 4 देखो यहां दिया गया है, यहां पर भी दिया गया है, आपको नहीं लेना। 5 देखो यहां दिया गया है, यहां पर नहीं दिया गया, ले दो। 6 यहां पर दिया गया, यहां पर नहीं दिया गया, यहां पर दिया गया और यहां पर भी दिया गया है तो छोड़ दो। फिर 7 यहां दिया गया, यहां पर नहीं है तो लिख दो यहां पर। अब 8 देखो, 8 यहां पर है, यहां पर है, बस ये काम आपको करना है माइनस करने में। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा करके आप ए डैश निकाल सकते हो, यूनिवर्सल माइनस ए। आ रही है बात समझ में? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो साथ ही में इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसमें सेकंड पार्ट दिया है, वो दिया गया है ए डैश का होल डैश दिया गया है। तो प्यारे बच्चों ए डैश का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, यू माइनस ए, और इंटरसेक्शन और लगा देंगे क्योंकि यहां पर इसका क्या दे रखा है, डैश दिया हुआ है। आ रही है बात समझ में? अब देखो यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है, यूनिवर्सल सेट भी आपके पास है और आपके पास ए डैश भी है। भाई ए डैश आपके पास ये रहा और इसे यूनिवर्सल में से घटा दो, तो यूनिवर्सल सेट क्या दिया गया है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और माइनस का। अब ए डैश क्या दिया गया है आपको, ए डैश अभी आपने निकाला है 1, 3, 5, 7। आ रही है बात समझ में? अब इसके बाद देखो 1 यहां पर है, यहां पर भी है, नहीं लिखना। 2 यहां पर है पर यहां पर नहीं है, लिख दो यहां पर। 3 यहां पर है, यहां पर भी है, नहीं लिखना। 4 यहां पर है पर वहां नहीं है तो लिख दो यहां पर। 5 यहां है, वहां पर भी है, नहीं लिखना। मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट है वो आपको लिखना ही नहीं है। आ रही बात समझ में? 6 यहां पर है, 6 यहां पर नहीं है, लिख दो। 7 यहां पर है, यहां पर नहीं लिखना। 8 यहां पर है पर यहां नहीं है तो 8 लिख दो। तो ये आपको क्या निकल गया, ए डैश का होल डैश। आ रही बात समझ में? भाई अगर मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक करते चलो, फटाफट से शेयर करते चलो, है ना, मजा आ रहा होगा आपको। तो बताओ ये समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो इजी सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है और सिंपल हम बनाने के लिए बैठे ही हैं। आ रही बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। मजा आया, फटाफट से लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप देख ही लिए होंगे कि बहुत ज्यादा इजी है, काफी बार पेपर में ऐसी डेफिनेशन पूछ लेता है ये कह रहा है डिफाइन सेट्स की समुच्चय जो होता है उसको परिभाषित कीजिए, कि सेट को डिफाइन कीजिए, उसकी डेफिनेशन दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, फटाफट से देख लो। डेफिनेशन ऑफ सेट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट इज ए कॉल्ड ऑफ सेट, कि ये क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स का एक समूह जो कि एक वेरीफाइड कलेक्शन हो, उसके समूह को ही हम समुच्चय बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन लिख दी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशन 2 और 3 आएंगे, तो इसे क्या हो सकता है, इसका एक सेट। अब देखो बेटा सेट का जो नोटेशन होता है ऑलवेज कैपिटल लेटर से बिलोंग करते हैं, ऑलवेज सेट को किससे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से, किससे, कैपिटल लेटर से। और इस ब्रैकेट में हम जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को लिखते हैं, और अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, और जो जिससे सेट को डिफाइन करेंगे या जिससे बिलोंग्स करेंगे तो वो क्या होगा, आपका कैपिटल लेटर में होगा। जैसे कैपिटल ए से ही हम सेट को एक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कभी भी स्मॉल नंबर से हम किसी भी सेट को एक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में? और ये वाला हम ब्रैकेट यूज यहां पर करते हैं, जो एलिमेंट लिखते हैं काफी बार मैं बता दूं आपको पेपर में लिख कर आने हैं, क्या लगा के, इन्वर्ट कोमा लगा के लिख कर आने हैं, विदाउट कोमा आपको नहीं लगाकर लिख कर आने
हैं, क्योंकि देखो पहले एक बार ऐसा हो चुका है, एक बार यूनिवर्सिटी की हमने कॉपी निकलवाई थी तो उसमें एक बच्चे के क्या है कि कोमा के ऊपर भी नंबर काट रखे थे, जब बहुत ज्यादा हार्ड कॉपी चेकिंग करते हैं तो इस तरीके से। बाकी ये डेफिनेशन है, इसे आप लिख कर आए तो बहुत आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो देखो ये मैंने फर्स्ट पार्ट देने की कोशिश करी है, इसमें बेसिकली सेट्स के ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, और भी क्वेश्चन हम बहुत सारे सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, और अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, साथ ही में बेल का आइकन को प्रेस भी करो। साथ में एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कुछ भी आपको पूछना होता है तो फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, वहां पर भी यार पूछ सकते हो। ऐसी इंस्टाग्राम आईडी पे मैथमेटिक्स वर्ल्ड 2324 के नाम से वहां भी आप पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल पर कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप जोड़ सकते हो, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज सजेस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।